वालेकुम सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आप बोतल दो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फराफी क्लॉग्स। और उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज हमारी तैयारी है, मैं जा रही हूँ अपने अब्बू के घर, बच्चों को भी रेडी कर दिया, खुद भी रेडी हो गई हूँ। और ना मेरे काम शाम अभी ख़त्म नहीं हो रहे, तो कपड़े धोए थे तो सोचा सारे काम ख़त्म करके ही जाऊँ, लेकिन काम है कि निकली आ रहे हैं, पता में नहीं हो रहे जितने। अभी इतना दोपहर का 1 बज गया, तो अभी तक मेरी ना तैयारी नहीं पूरी हुई और हस्बैंड नाराज होकर चले गए, ये तो तैयारी नहीं हो रही, मैं तो जा रहा हूँ, कहते हम खुद ही चले जाना, देखें आते हैं कि नहीं, लेके जाते हैं कि नहीं। तो फिलहाल मैं ना पहले अपने कमरे का सारा काम ख़त्म करूँगी। सुबह उठ के पहले मैंने सबसे पहले अब्बू के लिए पिनिया बनाई थी अच्छी की, उसको काफ़ी टाइम लग गया, फिर किचन का काम किया, फिर सफाई की, फिर कपड़े छपड़े अब सेट कर रही हूँ, धोए तो ये मेरी देवरानी नहीं, आज मैंने नहीं धोए, तो बस अब इनको भी समेटना है, ये तो नहीं ना ऐसे सारा कुछ बिखेर के चली जाऊँ, ये तो शादी की जैकेट इसने पहननी है, तो बाकी जो गर्म कपड़े हैं जो नहीं पहनने वाले वो मैं सारी अलमारी में रखे जाऊंगी। और हस्बैंड मेरे को शिकायत है अभी तक तैयार क्यों नहीं हो रही, तो ये नहीं पता कि मैं तो सुबह से फ्री बैठी हुई हूँ, काम ही कर रही हूँ। बच्चों को स्कूल की छुट्टियाँ हुई थी, तो छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली थी, मैंने सोचा जाते रहे हैं अभी कुछ दिन, तो फिर कौन सा जाते फिर स्कूल से अलग से छुट्टियाँ करवाओ, बस अब जल्दी जल्दी काम खत्म करना है फिर जाना है। बैग में कॉपी को डाली है, आगे बैग में जगह नहीं है, अलमारी में लेके जाना है बैग पहले एक बार। तैयारी तकरीबन कंप्लीट हो गई है, तो हस्बैंड मेरे नाराज होकर बाहर चले गए हैं, कह रहे हैं ये तैयारी नहीं हो रही, सुबह से जाने 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 कर रही है, अभी तक तैयार नहीं हुई। तो मैंने पहले सिलाई घर के काम करने थे, उनको निपटाना था, फिर बच्चों का नहा के रेडी करना, सारे काम तो हमें करने होते हैं, उन्हें क्या करना होता है, आगे बस बैग उठाना चल पड़ना होता है और बस बातें करते हैं। तो अब नाराज होकर चले गए, देखो आते हैं उनको फोन करती हूँ, आ जाओ 2 बजने वाले हैं, चले अब वो भी नहीं चले जाएंगे, पता है उनका वो भी अच्छी खासी देर करके आएंगे, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी तैयारी कंप्लीट है। तो अब्बू के लिए मैंने पिनिया बनाई थी, वो मैंने बना ली है, कपड़े धो लिए, कमरे को कमरे की सेटिंग कर ली है, थोड़ा बहुत अभी सेट करना है, वो बाद में करते हैं, तो अभी उनको कॉल करते हैं, वो देखते आते हैं कि नहीं। उससे तो पहुंचे अब्बू के घर, मैं तुम दोनों को ना पिटाई करके मुंह तोड़ देना है, ऐसा नहीं होता, शोर ही ना करें, इधर ही छोड़ के जाऊंगी तुम दोनों को, इन्होंने अलग मुझे तंग किया, इनके बाबा ने अलग तंग किया है, सारा काम करना होता है फिर भी मुंह नहीं सीधे होते इनके। अब नवाब साहब को फोन करती हूँ कि आ जाएं लेके जाएं हमें, अब नहीं अब तो मैंने कहा रक्षा भेज दे, मैं खुद ही चली जाऊंगी नहीं जाऊंगी तो चलो अब उनको कॉल करती हूँ, आ जाएं बस फिर हम जाएंगे, बाकी की बातें आप लोग। तो जी सारे काम करने के बाद बारी आ गई थी पिनिया पैक करने की, मैंने जो अलसी की पिनिया सुबह सुबह उठ के सबसे पहले अब्बू के लिए बनाई थी, इनको बनाने के बाद मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो अब घर के सारे काम करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इनको भी कट करके पैक कर लूँ, क्योंकि ये ना ये मैं स्पेशल अब्बू के लिए बनाई और ये यहीं पर ही भूल जाऊँ।
फ्रिज में रखने से ना काफ़ी हार्ड हो गई हैं, तो काटने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इनको भी ये काम भी मैं कर लूँगी और फिर इनको पैक करके फिर ले जाऊँगी मैं अब्बू के लिए। वैसे ना हम लोग वैसे भी सर्दियों में हर दफ़ा कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। इस दफ़ा हमने चने की पिनियाँ बनाई हैं, गाजर का हलवा भी 2-3 दफ़ा बना लिया है, अब अलसी की पिनियाँ रह गई थी तो ये भी मैंने अब्बू के लिए बना ली हैं। बाकी जब हम वापस आएंगे तो फिर घर के लिए और मैं बनाऊंगी, लेकिन मैं सारी नहीं लेके जाऊंगी, थोड़ी सी घर के लिए भी रख कर जाऊंगी। आप लोग बताइए ना, आप लोग भी अपने घर में सर्दियों में क्या कुछ बनाते हैं। सर्दियां तो आती हैं, खाने पीने का मौसम होता है, लोग कहते हैं कि सर्दियों में हम लोग डाइटिंग करेंगे, गर्मियों में हमसे डाइटिंग नहीं होती, दिन छोटे होते हैं, चलो सर्दियों में डाइटिंग कर लेंगे, लेकिन सर्दियों में ऐसी चीज़ें जब बनेंगी घर में तो कौन बेचारा डाइटिंग करेगा है। तो यहाँ पर जी हमारी डाइटिंग का छोड़ें, हमारी पिनियों की कटिंग हो रही है। हस्बैंड साहब से मैंने कहा करें जी, मुझसे नहीं इतना जोर लगाया जा रहा, आप अपना जोर लगाएं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड अब कटिंग कर रहे हैं। करो करो जल्दी ना, तेनू ना इधर ना ले चल, चल तू इत आ बना ला सा कहना मेरे नौ वाले छड़ दो। तो फाइनली मैं फ्री हो गई हूँ सारा काम करके और हमारे जाने का टाइम आ गया है। तो मैं जाने से पहले मैंने सोचा जितनी देर में ये सारा सामान वगैरह लेकर बाहर जाते हैं मेरे हस्बैंड, तो क्यों ना जो थोड़ी बहुत डस्टिंग रहती है कमरे की वो भी कर लूँ। तो मैंने अपनी कमरे की बेडशीट ठीक किया, पहले डस्टिंग किया थोड़ी सी, तो इनको कह रही हूँ चलें सामान लेकर जाएँ और मैं भी आती हूँ बाहर। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड कह रहे हैं तुम भी थोड़ा हाथ ला लो, सारा काम मुझसे ही करवाना है। उन्हें नहीं करनी आज नहीं सादा मूड, बोतल फड़ाए तो बस उन्होंने मम्मा साद अल्लाह हाफिज कर दो, अल्लाह हाफिज देर करती ना तुसी। हाँ हाँ पढ़ लो, चलो 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 अल्लाह हाफिज कर दे पहले अम्मी नु। वालेकुम सलाम, नहीं अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी आप बोतल दूध दी, चलो दादापुर करती है, चलो जी जाना वा। चाह किधर जा रही है तैयार होके? नानी पीकर जा रही है। घर से हम निकल आए थे, जा ही रहे थे अब्बू के घर के रास्ते में ना हमारी बाइक ख़राब हो गई है। एक तो पहले ही हमें देर हो गई, ऊपर से बाइक भी ख़राब हो गई, तो यहाँ पर हमें अब रास्ते में उतार दिया हस्बैंड ने और जाके कहीं से मैकेनिक की दुकान ढूंढने के, क्योंकि बीच सड़क में हमारी ना बाइक ख़राब हुई है, यहाँ पर आसपास कोई भी दुकान नहीं है। तो हम यहाँ पर उनका वेट कर रहे हैं, वो किसी गांव में जाएंगे, आसपास कोई गांव हुआ तो वहाँ से बाइक ठीक करवा कर लाएंगे फिर हम जाएंगे। तो यहीं पर मैं आज के ब्लॉग एंड कर दूँगी और बच्चों को यहाँ पर मैं संभालना काफ़ी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो चलें जी मैं एंड करती हूँ ब्लॉग का, दुआ में याद रखिएगा, फिर आपसे फिर मिलूँगी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उसकी वाह ख़त्म होगी सारी, किस तरह की हुई है पता नहीं।